बारिश में भीग कर देखा है कभी? आई नो ये कोई नया सवाल नहीं है, कॉमन है, पर मेरे लिए बारिश हमेशा एक नया एहसास लेकर आई है। गीली मिट्टी की वो खुशबू ना मुझे हमेशा अलग लगती है। हाँ सच्ची, पानी की एक एक बूंद इकट्ठा करके मैं हथेली भर लेती हूँ, और मैं जब हाथ खोलती हूँ तो हथेली एकदम साफ। आई नो आप सोच रहे होंगे भाई कहना क्या चाहती हूँ। बताती हूँ, हमारी थॉट्स का भी ना यही हाल है। हम उन्हें एक जगह बंद करके उन्हें भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। एक बादल सा घेर लेते हैं हम अपने ऊपर के माले पर। कभी रिलीज करने का सोचते तो शायद प्रेसिपिटेशन की कमी के कारण बादल गरज तो जाते हैं पर बरस नहीं पाते। तो उस दिन ना ऑफिस से लेट हो गई थी, कैब कर ली। कैब ड्राइवर यंग सा था, दिखने में सेफ लगा तो आराम से बैठ गई। मैंने OTP बताया और हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ। अजीब सा गाना लगाकर भाई साहब ने मेरा स्वागत किया था। एक मिनट, कौन सा गाना था? हाँ वो तेरा प्यार 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 हुक्का बार। ओह गॉड। खैर मैंने उसे वॉल्यूम ना एकदम लो करने को कह दिया। जनाब तो बात ही करने पर उतर आए। मैडम आप रोज़ रात को इतना लेट हो जाते हो, घर वाले तो बेचारे थक जाते होंगे आपका इंतज़ार कर करके। मैंने बिना मन के रिप्लाई कर दिया, हाँ आदत है उन्हें। अच्छा आदत है, हमारा तो क्या है मैडम, सुबह मीटर डाउन, कब बंद करना है कब नहीं कोई फिक्स नहीं, कौन सा कोई वेट कर रहा है घर पर। मुझे ऑलरेडी सर में दर्द था तो मैं बस सोना चाहती थी, लेकिन ये ड्राइवर स्वीट सा था, अपने बारे में बताने लगा और मैं उसे सुनने की कोशिश में लगी रही। कहने लगा अब जाऊंगा शायद घर, खाना बनाऊंगा, 4 फुलके और दाल। अपना तो मैडम यही है खुराक, आप लोग तो वो पास्ता पिज्ज़ा ना, हम यही खा लें बहुत है। ऐसा लग रहा था मानो उसे अब जोश ही चढ़ गया था, वो रुका ही नहीं। अच्छा मैडम मेरे को ना ये YouTube कैसे चलाते हैं ये सिखा दो, सारा दिन बोर हो जाता हूँ। दोस्त यार को बोला सिखा दो तो वो बोले हम ये सीख लेते तो 500 रुपये दिहाड़ी का काम कर रहे होते। सही बात भी है। मैंने उसे गुस्से वाली लुक दी, एक तो ऑलरेडी थकी हुई थी, ऊपर से बक 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 किए जा रहा था। गुस्से में बोल पड़ी अरे तुम चुपचाप चलाओ ना गाड़ी, ऑलरेडी थकी हुई हूँ, 1 मिनट चैन से नहीं बैठने दे रहे, मुझे नहीं पता ये YouTube वीडियो। सफ़र ख़त्म हुआ और मैंने शुक्र किया कि घर आ चुका था, माँ पापा वेट कर रहे थे और भूख तो इतनी थी उस वक्त कि मैं कुछ भी खा जाती। तो मैंने इन जनाब को फेर दिया और निकल गई गाड़ी से। वो मुझे रोक के बोला मैडम आपको बुरा लगाओ तो सॉरी, क्या है ना अकेले होते हैं पूरा पूरा दिन, कोई बात करने वाला नहीं, कोई मिल जाता है तो मन की बातें ही बांट लेते हैं, आप बस प्लीज़ कंप्लेन मत कीजिएगा। कैब चली गई और मैं वहीं के वहीं खड़ी रह गई। न जाने मन के कौन से कोने में वो ड्राइवर दिल की बातें दबाए बैठा था। अकेलेपन में वो न जाने कितने ख्याल बुन लेता होगा, सोचता होगा कोई मिलेगा तो उससे शेयर कर लूंगा। मैं अपने आप से उस पल नफरत करने लगी थी, इस सोच में कि क्या चला जाता अगर मैं उसकी चंद बातें तसल्ली से सुन लेती, क्या पता कोई मन की तसल्ली मिल जाती उसे। हम लोग भागदौड़ में इतना बिजी हैं कि हमें अब दूसरों की दूर अपने मन की आवाज सुनने का ही वक्त नहीं है। अकेलेपन में खुद तो जीते हैं और दूसरे के अकेलेपन का एक बीज हम भी बो देते हैं। मैं आज भी ऑफिस के पास उस कैब नंबर का वेट करती हूँ कि कब उस ड्राइवर का ड्रॉप आए और मैं उसकी कुछ बातें सुन पाऊँ। लेकिन नसीब का खेल, इस बात को 6 महीने बीत गए, मैंने उस ड्राइवर और उस कैब को दोबारा कभी नहीं देखा। यू नो आज भी मैं ट्रिप हिस्ट्री में उसका नाम पढ़ती हूँ तो उसे एक सॉरी बोल देती हूँ, शायद यही कह के खुद को दिलासा दे पाऊँ।